हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, और वो है ऑरेंज जेली। इसके लिए मैंने 400 मिलीलीटर ऑरेंज जूस निकाल लिया है। फ्रेश ऑरेंज थे पके हुए, उन्हें मैंने काट करके कुछ स्क्वीज़ कर लिया है, और यहाँ पर मैंने एक ट्रे को बटर से ग्रीस कर लिया है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, आपको सभी को बहुत पसंद आने वाली है, और इसे एक बार बना करके आप कम से कम 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो कपकेक के मॉल्स होते हैं उन्हें भी ग्रीस कर रही हूँ ताकि कुछ डिफरेंट शेप दे सकूँ। तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक पेन के अंदर, और इसके अंदर हम मिलाएंगे शुगर। ऑलरेडी ये कुछ मीठा है जूस, तो इसके अंदर हम शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 स्पून ऐड किया है, और इसी में जाता है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। गैस ऑन कर दिया है और फ्लेम को हमने रखा हुआ है लो, और इसे कंटिन्यू इस तरह से स्टिर करते हुए चलाना है। अपने यहाँ जो फ्लेम है वो आप बिल्कुल लो रखें ताकि ये इसमें लम्स ना आ जाएँ। और इसके साइड में जो भी स्टिक हो जाता है उसे इमीडिएटली हटाते रहें। यहाँ आप देखें जैसे ये गर्म हुआ है वैसे ये थिक होने लगा है, और क्योंकि हमें करना है इसे थिक तो हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और 1-2 मिनट में ये अच्छे से थिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो जैसे ही अभी आपको दिख रहा है वैसे भी इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लेट में और चिल करके सर्व कर सकते हैं। 2-3 मिनट लगेगा इसे जो कंसिस्टेंसी मुझे जेली का चाहिए उसे आने में। और ये 5 मिनट रेसिपी आप इसे कभी भी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये परफेक्ट हो चुका है, मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अब हम इसे इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट के अंदर। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, और जब ये गर्म था तभी मैंने इसे इन मॉल्स में और प्लेट जो हमने ट्रे ग्रीस किया था उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इमीडिएटली ट्रांसफ़र करें, यानी कि गर्म होना चाहिए। तो यहाँ देखें, मैं आपको 2 मिनट बाद ही दिखा रही हूँ जिसे मैंने ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है 2 मिनट में ही। तो जो मॉल्स में है आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और जो ट्रे में हमने निकाला था उसे हम पीसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं। और मॉल्ड्स में जो था उसे मैंने बाहर निकाल लिया, और उसके बाद इस तरह से हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बूरे में रैप करके सर्व करेंगे। तो ये दोनों ही तरह से बहुत ही अच्छा लगता है, कोकोनट के साथ भी और कोकोनट के बिना भी। तो आप जैसे चाहें वैसे बनाएं और एंजॉय करें। आप चाहें तो इसे फ्रीज में रख करके कम से कम 2-3 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।